नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में एसटीटी का मुद्दा अभी सबसे ज्यादा छाया हुआ है। आपको बताएं कि छात्र तो सड़कों पर हैं ही, इसको लेकर राजनीतिक दल भी सरकार को घेर रहे हैं। आपको बताएं कि एसटीटी में जो रिजल्ट आया उसमें मेरिट लिस्ट बना दिया गया और उस मेरिट लिस्ट के कारण जो है बहुत सारे क्वालिफाइंग छात्र बाहर हो गए। और अभी बताएं आपको कि जो जो इसकी ज़्यादा पड़ताल की जा रही है, इसमें खामियां जो है वो निकल के आ रही हैं। और अभी हम इस वीडियो में जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वो है महिलाओं को क्वालिफाइंग नंबर को लेकर। आपको बताएं कि आनंद किशोर जो कि बीएसईबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने परीक्षा से पहले ही कह रखा था कि टीटी और एसटीटी की जितनी भी महिलाएँ हैं उनको 45% नंबर पर क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन 50% नंबर पर उन्हें क्वालिफाइंग किया गया, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं जो है वो मेरिट से बाहर हो गई, काफी नाराज है वो। आपको पूरी हम खबर बताते हैं। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम यानी कि एसटीटी जारी रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से बिहार बोर्ड सवालों के घेरे में है। तो अभ्यर्थियों का आंदोलन अब भी जारी है। कुल 15 विषयों का रिजल्ट जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट में पेच में अभ्यर्थियों का भविष्य फंस गया है। वहीं महिला अभ्यर्थी भी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रही हैं। दरअसल महिला अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा से पहले बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा था कि टीटी एसटीटी में सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को 45% अंक लाने पर क्वालिफाइंग किया जाएगा, क्योंकि लेकिन रिजल्ट आने के बाद जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी ठगा महसूस कर रही, क्योंकि जनरल कैटेगरी कि महिला अभ्यर्थियों को 50% पर क्वालिफाइंग किया गया है। इससे हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई हैं। हैरानी की बात है कि इससे पहले आयोजित हुई एसटीटी और टीईटी परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को 5% का छूट दिया गया था, जबकि 2019 की परीक्षा में इसका लाभ नहीं मिला। हालांकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भरोसा जोड़ दिया है कि सभी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली होगी, लेकिन जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अब बहाली कैसे होगी। इधर बीएसईबी ने यह जानकारी भी नहीं दे रहा कि एसटीईटी पास कितने स्टूडेंट विषयवार मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं। जाहिर है ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब नियोजन इकाई मेरिट लिस्ट जारी करती है तो बिहार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट कैसे और किस नियमों के आधार पर जारी किया है, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी करने का काम नियोजन इकाई का होता है। और सातवें चरण की बहाली में लगभग 37,400 पदों पर बहाली होनी है, इसमें पहले मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थी अब परेशान हैं। बता दें आपको कि 15 विषयों में मेरिट लिस्ट में कुल जो है 36,675 अभ्यर्थी हैं, वहीं मेरिट लिस्ट के आधार पर 6,772 सीटें कम रह गई हैं। यह इसलिए कि सभी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। इधर लगातार अभ्यर्थियों के हंगामे और आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आनंद फानंद में 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। यह कमेटी विज्ञापन से लेकर मेरिट लिस्ट तक की जांच में जुटी हुई है। शिक्षा विभाग की माने तो मंगलवार यानी 29 जून को कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल जाएगी और इसके आधार पर सभी न्यूनतम अंक से अधिक अंक पाने वाले को बहाली का मौका दिया जाएगा। अब 29 जून को अभ्यर्थियों का इंतजार करना होगा और इसी दिन मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। आपको हम बता दें कि जनरल कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है और फिर से है कि मेरिट लिस्ट कैसे जारी किया गया जब नियोजन इकाइयां मेरिट लिस्ट जारी करती है, क्योंकि अंतिम रूप से बहाली करने का अधिकार उन्हीं को दिया गया है। ये तो एक तरह से आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता टेस्ट है कि आप एसटीईटी पास हैं और आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, और नियोजन इकाई जो है इन पर मुहर लगाती है और आपको शिक्षक बनाती है और स्कूल अलॉट करती है। ऐसे में बिहार बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, क्यों जो है जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 50% अंक दिया गया, ये समझ से परे है। आखिर बिहार के जो भी बोर्ड हैं, आयोग हैं, उन्हें आखिर क्या हो गया है कि वो अपने विज्ञापन में दिए गए जो उपबंध हैं उनको वो सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत हरेक लगभग बीएसएससी में पंचायत सचिव के साथ ऐसा ही मामला उठा हुआ है इंटर स्तरीय को लेकर। बीपीएससी में भी कुछ मामले ऐसे हैं जैसे कि अंक ज़्यादा होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं हो पाया कितने अभ्यर्थियों का। वही दरोगा में हम बात करें
तो टाइगर जंप पर रोक लगा दिया जाता है, मेडिकल वालों को नहीं लिया जाता है रिफिजिकल उनका। तो ये बिहार के आयोग जो हैं और बोर्ड जो हैं, इनके कार्य प्रणाली की समीक्षा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम जो है वो विवाद में ही बन जाता है। छात्रों को ऐसा लगता है रिजल्ट आने के बाद से ही कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, और वो रिजल्ट में साफ नजर भी आता है। तो समीक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार के जितने भी परीक्षा फल हैं वो विवादों वाले हैं, और उस पर जो है हंगामा होता है, आंदोलन होता है, कोर्ट में केस मुकदमा सब कुछ होता है, और ऐसा ही हो रहा है एसटीईटी में। हालांकि शिक्षा विभाग जो है इसको पूरी तरह से मैनेज करने में लगा है कि किसी के साथ गलत ना हो, और जो विज्ञापन के हिसाब जो दिया गया था उसके हिसाब से रिजल्ट तैयार हो। लेकिन मेरिट लिस्ट का ये कॉलम लाकर जो है बीएसईबी ने एक बहुत बड़ा विवाद पैदा कर दिया है, और उसमें धीरे धीरे जो है कमियां निकल के आ रही हैं कि क्या गलतियां की गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।